सिंह जी बड़े प्यार से कहना, धनकार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल निरंकारी सॉन्ग में। सत्संग, आज इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत सारे डिसीजन भी हम ऐसे भागते भागते ले लेते हैं, बिना सोचे समझे ले लेते हैं। सत्संग बाद में हमें पछताना पड़ता है कि हमने क्या डिसीजन लिया, क्या किया, किसी के लिए हमने क्या बोल दिया। सत्संग किसी को कुछ कहने से पहले 100 बार हमें अपने दिमाग में सोच लेना चाहिए कि ये शब्द सामने वाले को कितने ज़्यादा चुभ सकते हैं, कितने ज़्यादा सामने वाले के लिए दुखदाई हो सकते हैं। सत्संग इसी प्रकार एक छोटी सी कहानी है। एक बार 10th क्लास की एक लड़की रोज़ जो समय पर आया करती थी वो लेट आई स्कूल। सत्संग टीचर ने उसे पूछा कि बेटा क्या हुआ, लेट क्यों आए? उसने कहा कि मम्मी की तबीयत खराब थी। लेकिन सत्संग टीचर ने आगे से फट यही जवाब दिया कि ये बहाने हमारे सामने नहीं चलेंगे, तुम समय से स्कूल आया करो और अपनी पढ़ाई किया करो। अब सत्संग टीचर ने अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से दिमाग में वो डिसीज़न उसके लिए ले लिया कि वो जानबूझ करके लेट आई है। अब सत्संग ऐसा ही होने लगा दूसरे तीसरे दिन, फिर वो वैसे ही लेट आई। फिर मैडम का वही उसको डांटना, उसको धमकाना, लेकिन सत्संग कभी उसकी बात नहीं समझी। 1 हफ्ते तक कभी कोई टीचर उसको धमका रहा है तो कभी कोई टीचर उसको डांट फटकार लगा रहा है, ऐसे ही चलता रहा। सत्संग अगले हफ्ते से वो लड़की स्कूल नहीं आई। सत्संग सब ने यही सोचा कि टीचर्स के डांटने की वजह से, बार बार कहने की वजह से अब वो स्कूल नहीं आ रही है। लेकिन सत्संग तीसरे हफ्ते के लास्ट में वो फिर से स्कूल आई और समय पर आई। अब सत्संग टीचर ने जैसे ही उसे देखा तो कहने लगी कि देखो आज भी तो तुम समय पर आई हो, परंतु ये बताओ इतने दिन छुट्टी पर क्यों थी? तो वो कहने लगी, मैम आपने मेरी बात नहीं मानी, नहीं सुनी पिछले हफ्ते, लेकिन मेरी माँ बहुत बीमार थी और अब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। अब मेरे लिए कोई काम नहीं है जो मैं लेट आऊँ। पहले मुझे माँ हॉस्पिटल होने की वजह से खाना बना करके उनको पहुँचा करके हॉस्पिटल में फिर आना पड़ता था, उनसे मिलती भी थी, लेकिन अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही है, कह करके वो सत्संग जोर जोर से रोने लगी। टीचर ने जा करके उसको गले लगा लिया और कहने लगी कि बेटा सॉरी, मैंने तुझे बहुत गलत समझा। लेकिन सत्संग आज उस सॉरी का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुकी थी, बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी टीचर्स की वजह से। तो अब सत्संग कई बार हमारे शब्द सामने वाले को बहुत ज़्यादा चुभते हैं, उसके दिमाग पर असर कर जाते हैं। हमेशा सत्संग कभी ऐसा शब्द सामने वाले को नहीं कहना जो उसकी लाइफ में हमेशा के लिए उसे चुभता ही रहे। जैसे सत्संग अगर कोई सत्संग गरीब है तो उसको ये कह देना कि अरे तुझसे नहीं होगा, तेरी औकात नहीं है। अब सत्संग की औकात वाला शब्द उसको कह देना उसको हमेशा चुभता रहेगा। वो अंदर से यही सोचेगा कि परमात्मा ने मुझे अब ऐसी औकात क्यों नहीं दी है। या किसी को ऐसे कह देना कि तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो ऐसा ही करोगे। सत्संग ऐसे ये शब्द
हमें दूसरों के लिए प्रयोग करने से पहले बहुत बार सोचना होता है। ऐसे ही नहीं, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में फटाफट ऐसे डिसीजन लेकर के और ऐसे शब्द सामने वाले को बोल देने चाहिए। अगर कोई साथ संगत अपने जीवन में किसी दुख से परेशान है, उसके पास साथ संगत अच्छी गाड़ी नहीं है, उसको बोल देना कि अरे यही अभी तक यही चला रहा है तू खटारा। सासन वो खटारा शब्द उसको हमेशा चुभता रहेगा जीवन में। कभी सासंगत ऐसा शब्द ना बोले जो उसके सासंगत दुख का उसके लिए कारण बना रहे, उसके दिल पर छप जाए। सासंगत किसी की नौकरी नहीं लग रही या वो अभी तक घर पर बैठा है तो उसको बोल देना अरे तेरी अभी भी नौकरी नहीं लगी है। सासंगत वो क्या पता कितनी कोशिश कर रहा हो, किस वजह से उसकी नौकरी नहीं लग रही, लेकिन सत्संग वो शब्द उसको हमेशा चुभता रहेगा कि ये मेरी कुछ मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन बोल जरूर सकता है मेरे लिए। आओ सत्संग, इसी प्रकार हमने शब्द मुंह से निकालने से पहले हमेशा सोचना है कि सामने वाले को वो कितना दुखदाई हो सकता है। वही शब्द अपने ऊपर एक बार लागू कर करके देखना होता है कि हमारे लिए अगर कोई इस सिचुएशन में हम हों और ऐसा शब्द प्रयोग करे तो हमें कैसा फील होगा, कैसा महसूस होगा। पहले हमें ये बात मन में जरूर सोचनी है, फिर सामने वाले को कोई शब्द कहना है। अगर सासन सामने वाला किसी दुख में है, किसी तकलीफ में है या कोई ऐसे शासन सिचुएशन में है, तो उसके लिए हमने प्रभु से अरदास करनी है, बेनती करनी है, उसका हाल जरूर पूछना है, पूछ करके उसको सांत्वना देनी है कि कोई बात नहीं, आप प्रभु पर भरोसा रखिए, कोई ऐसी घड़ी है कि टल जाएगी, चली जाएगी। ऐसा नहीं सासंगत के उसको दुख को और बढ़ा देना है। अगर सासंगत वो टीचर प्यार से उस बच्ची से बात करती तो वो सारी कहानी अपनी बताती तो सासंगत उस बच्ची को भी अच्छा लगता और उस टीचर को भी अच्छा लगता। ऐसे ही सासंगत किसी की गाड़ी के बारे में अगर वो ना बोलता, उससे प्यार से जानता, भाई क्या बात है, आप नई गाड़ी क्यों नहीं ले रहे। सासंगत बात वही कहनी होती है, लेकिन शासन उस बात को करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। प्यार से भी वही बात कही जा सकती है और गुस्से में और बिना तरीके के एक टोंटिंग वे में भी वही बात कही जा सकती है कि जिससे सामने वाले को दुख पहुंच जाए। तो शासन ऐसा हमने कभी नहीं करना है। हमें हमेशा जो सतगुरु ने प्यार की, जो प्रीत के जो शब्द सिखाए हैं, उन शब्दों का प्रयोग करना है, ना कि इन कटु और तीखे वचनों का। सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन्यवाद जी। सत्संग कभी भी हमने ये कटु और तीखे वचन किसी के लिए प्रयोग नहीं करने हैं। यही अरदास और बेनती है सत्संग जी। धन्यवाद जी।